तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी के एक ऐप के नए अपडेट के बारे में, जो कि है डिवाइस केयर ऐप। जैसा कि नाम है इस ऐप का, डिवाइस केयर, तो ये पूरे मोबाइल के डिवाइस को केयर करती है। क्या ये ऐप है, कैसा अपडेट आया है और क्या ये नए चेंजेस मिलेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूँ डिवाइस केयर के नए अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली बात बात करूँ, ये डिवाइस केयर जो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ये अपडेट आया है ये गैलेक्सी स्टोर पे नहीं आया। आप गैलेक्सी स्टोर पे देखेंगे तो आपको कहीं भी डिवाइस केयर का एक नया अपडेट नहीं मिल रहा होगा। और अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स पे जाके डिवाइस केयर के अंदर पे भी जाके देखेंगे ना, तो भी आपको वो अपडेट नहीं मिल रहा होगा। जैसा कि मैं आऊँ सेटिंग्स पे, सेटिंग्स में आने के डिवाइस केयर में, डिवाइस केयर में आने के यहाँ थ्री डॉट्स पे, एंड देन मैं यहाँ सेटिंग्स पे गया, एंड देन मैं यहाँ पर अबाउट डिवाइस केयर में गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर दिखा रहा है, बट ये लेटेस्ट अपडेट अभी आया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 13.8.0.129, तो पहली बार ये अपडेट आया है प्ले स्टोर के अंदर। अगर आप प्ले स्टोर में जाके देखेंगे तो आपको एक नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा होगा सैमसंग डिवाइस केयर करके। आप देख सकते हैं लास्ट अपडेट किया गया है 21 मार्च 2024 के दिन, ये रिसेंटली रोल आउट किया गया। यहाँ पर कोई वर्जन नंबर को मेंशन नहीं किया गया, जैसे देखेंगे तो कहीं भी वर्जन नंबर को मेंशन नहीं किया गया, बट ये नया अपडेट यहाँ पर आपको दिया गया। तो आपको इसको कर लेता है ना अपडेट, अपडेट करके आप इसको उसको ओपन करेंगे तो उसको आपको अपडेट कर लेना है। फाइनली हो चुका है डाउनलोड अपडेट, अपडेट करने के बाद आपको इसको कर लेना है यहाँ से ओपन। जैसे आप ओपन करेंगे आपको वही डिवाइस केयर पर ले जाएगा। डिवाइस केयर में आने के बाद यहाँ थ्री डॉट्स पर आ गए, एंड देन यहाँ सेटिंग्स पर आ गए, यहाँ पर आ गए अबाउट डिवाइस केयर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन मेरा अपडेट हो चुका है। आप देख रहे होंगे पहले 29 लास्ट में आ रहा था, अब यहाँ पर आ रहा है 11, मतलब लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट हो चुका है। सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और करना है, अपडेट करने के बाद यहाँ पर अपडेट सिक्योरिटी इंजन पर भी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट सिक्योरिटी इंजन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड में एक ऐप डाउनलोड होगी, ये बैकग्राउंड में अपडेट होगा। आप देखेंगे यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल करके यहाँ पर मैसेज आ चुका है। तो अब ये कैसे काम करता है ये बता दूँ। यहाँ पर बैक आएंगे, बैक आने के, जैसे कि मैं बैक आ गया, डिवाइस केयर का आपको इंटरफेंस यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। सबसे पहले गुड दिखाई दे रहा है तो मतलब आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर और कुछ दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। ऑप्टिमाइज़ करेंगे सारे डेटा को, देख सकते हैं सब कुछ चीज़ों को यहाँ पर आपको दिखेगा। हाई रिस्क, हाई बैटरी यूजेज, क्रैशेज टू बैकग्राउंड ऐप, ऑन स्टोरेज इशूज, नो ऐप, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कुछ सर्च करके बता देगा और आपको यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। तो अब वो आपको बता रहा है यू आर ग्रेट। अब आपको एक नया ऑप्शन और देने लगा है, योर केयर रिपोर्ट हैज़ बीन अपडेटेड, सी व्हाट डिवाइस हेयर केयर डन की योर फोन इज़ गुड। तो आप देख सकते हैं यहाँ लेटेस्ट में ये यहाँ पर ग्रेट दे दिया गया और अच्छा खासा यहाँ पर नया चेंजेस ये दे दिया गया। उसके बाद आएंगे नीचे, आपको बैटरी का दिखा रहा है कि बैटरी से रिलेटेड जो भी आपको सेटिंग्स करनी है, डिवाइस केयर करनी है, वो यहाँ पर मिलेगी। बैटरी में जाएंगे, सबसे पहले पावर सेविंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे ऊपर बता रहा है कि आपके मोबाइल की बैटरी 59% है, जिसको आप 10 घंटे तक चला सकते हैं। बैकग्राउंड यूजर्स लिमिट देखना है तो बैकग्राउंड यूजर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड यूजर्स, पुट अनयूज्ड ऐप टू स्लीप, नेवर आउट ऑफ स्लीप मोड, स्लीपिंग ऐप्स, डीप स्लीपिंग ऐप, और ये सब चीज़ें यहाँ पर कंबाइन कर पाएंगे। उसके नीचे आपको प्रोटेक्ट बैटरी करेगा कि 85 से ज़्यादा चार्ज ना हो, वो यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। कितना परसेंट आपने लास्ट यहाँ पर 100% चार्ज किया था, स्टॉप चार्जिंग 3 घंटे, मतलब 4 घंटे पहले मैंने चार्ज किया था 100%, वो बता भी रहा है कब चार्ज किया था और अभी कितने घंटे में यहाँ पर यूज़ कर चुका हूँ, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर बता देगा। और अच्छे से बैटरी यूजेज, स्क्रीन टाइम देखना है, सब आपको यहाँ पर बता देगा। और यहाँ पर आप एक एक दिन बाद के भी रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं, एक हफ्ते तक की रिपोर्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर सेटिंग्स मिलती है। उसके बाद आएंगे स्टोरेज में, तो स्टोरेज मतलब स्टोरेज से रिलेटेड सारी सेटिंग्स यहाँ पर आप कर सकते हैं कि कितना आपके पास यूज्ड ऐप है। यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करेंगे, वीडियोज, इमोजीज, डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें आपको कंबाइन करके बता देगा। यहाँ स्वैप करेंगे तो ड्यूअल मैसेंजर में जो भी होगा वो यहाँ पर बता देगा। नीचे आएंगे, रिसाइकल बिन, अनयूज्ड ऐप, डुप्लीकेट फाइल्स, लार्ज फाइल्स, ऐप के, सब आपको बता देगा। आपको सबको यहाँ मेंटेन करना है, डिलीट करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे नीचे मेमोरी का ऑप्शन, मेमोरी मतलब रैम, तो रैम में क्या क्या है और रैम कितना चल रहा है सब आपको बता देगा। 6 GB की रैम है, 3-4 GB यूज्ड है, रिजर्व, ये सब दिखा रहा है। और आपको किसी को क्लीन करना है तो यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। मेमोरी रेसिस्टेंस ऐप क्या करना है, इनको रेसिस्ट करना है, एक्सप्लोड ऐप, रैम प्लस ऐप, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप मेंटेन कर पाएंगे। उसके नीचे नो थ्रेड फाउंड, ये सारी ऐप्स को स्कैन करेगा और जो भी कुछ उसको वायरस लगता है वो आपको डिटेक्ट करके बता देगा कैसे कटता है। यहाँ पर स्कैन नाउ पे करेंगे। MKFA जो एंटीवायरस होता है उसके थ्रू ये वाला फीचर काम करता है। तो जितनी ज़्यादा ऐप्स होंगी उतनी ज़्यादा टाइम लेगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐप्स है मेरे मोबाइल में,
तो आप देखेंगे कितनी ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी 9:40 में मैंने स्टार्ट किया है और एंड होने का टाइम बताऊँगा कितना टाइम लगता है इसको होने देते हैं। तो फाइनली पूरे 3 मिनट मुझे लग गए यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर 9:42 पे मेरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और कुछ भी यहाँ पर मेरे को कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद आएंगे नीचे की तरफ, आपको अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड में अगर आपको यूज़ करना हो तो ये अलग तरीके से होता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर आएंगे, आपको मिलता है ऑटो ऑप्टिमाइजेशन वाला ऑप्शन, ऑटो ऑप्टिमाइजेशन जो कि बहुत शानदार है, आपको इसको ऑन करके रखना चाहिए। जैसा कि मेरा यहाँ पर बता रहा है, ये ऑटोमेटिक आपके मोबाइल को रिस्टार्ट करेगा और जब उसको लगेगा जब कि मोबाइल में कोई दिक्कत आ रही तो रिस्टार्ट करेगा और आपके मोबाइल की मेमोरी को क्लीनिंग करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 17 घंटा पहले मेरा यहाँ पर फ़ोन को उसने मेमोरी को क्लीनिंग करा था और लास्ट ऑटो रिस्टार्ट करा 16 घंटा पहले। तो आपको उसको यहाँ से ऑन कर देना है और ऑटोमेटिक वो वर्किंग करता रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बैक आएंगे, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट आपको चेक करते रहना है, सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर सकते हैं। डायग्नोसिस पूरे मोबाइल को आप चेक करना हो तो वो चेक कर सकते हैं। मेंटेनेंस मोड में जाएंगे तो मेंटेनेंस मोड में अपने मोबाइल को यहाँ पर देने से दे सकते हैं। ये तो हो गया पूरा डिवाइस केयर। अब मेन चीज़ यहाँ पर आएंगे आप रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट देखेंगे जैसा कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है, लास्ट ऑटो मेमोरी क्लीनिंग 17 घंटे पहले हुई है, लास्ट ऑटो रिस्टार्ट 16 घंटे पहले हुआ है, इश्यूज़ इन 30 डेज में 33 इश्यूज़ इसने फाइंड किए है, अनयूज्ड ऐप मेरी इतनी है, ऐप यूजेज इतनी है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा है। तो आपको यहाँ पर 30 डेज इश्यूज़ में देखना है, तो यहाँ पर इश्यूज़ हैं यहाँ पर सब आपको दिखा रहा है। आप जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो क्या बता रहा है, अनयूज्ड है, तो ये इश्यूज़ इसने फाइंड किया है, तो आप यहाँ पर उसको डिटेक्ट करें। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद ऐप इश्यूज़ में यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सक्यूज इश्यूज़ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब इस तरीके से आप पूरे अपने रिपोर्ट को मैनेज कर पाएंगे। तो यही था डिवाइस के, और यही नया अपडेट था। नए अपडेट में कुछ नए चेंजेस नहीं होते हैं, बट हमेशा लेटेस्ट मालवेयर का अपडेट वहाँ पर ऐड ऑन किया जाता है, यही उम्मीद थी कि तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इज रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो करें। थैंक यू।